हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश। इस वीडियो में बात करने वाले कि नेविगेशन मेनू कैसे क्रिएट किया जाता है HTML के अंदर। अगर आप जानना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली हर एक वेबसाइट के अंदर नेविगेशन मेनू होने बहुत जरूरी है। अगर आपको सही से पाथ दिखाना है अपने विजिटर को, तो इसके लिए आपको नेविगेशन मेनू क्रिएट करने पड़े। सो जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, ये सारे के सारे पेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इसके लिए हम चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सो एज यू कैन सी ऑन माय डेस्कटॉप स्क्रीन, मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देंगे नेविगेशन, और नेविगेशन देने के बाद मैं टैग यूज़ करने वाला हूँ। जो न्यू टैग यूज होने वाला है वो है नेव। अब नेव टैग जो अपना नेविगेशन बनाने के लिए काम आने वाला है। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं एंकर टैग का। अब एंकर टैग क्या है आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिंक। अब लिंक अपने पास नया नहीं देने वाला, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैच। ओके, हैच को यूज करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे इस टैग को, लेकिन इस टैग का नाम दे देंगे, इसमें नाम दे देंगे कि इस ये नाम दे देंगे होम। अब होम क्या होता है, मैं इसको कंट्रोल डी करके वापस एज इट इज लिख देता हूँ। इसके बाद हम इसमें एडिट करते हैं कुछ नेम का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस। ओके, सर्विसेज लिख देते हैं। ओके, सर्विसेज की वेबसाइट की सर्विसेज क्या क्या है। इसके बाद हम लिखेंगे अबाउट अस। ओके, अबाउट अस, तो एक बेसिकली किसी भी वेबसाइट के अंदर ये सारे पेजेस क्रिएट किए हुए होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं ये बात आपको जानना जरूरी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि विजिटर के आसानी रहती है कि वो कहाँ पे जंप करना चाहता है। अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, उसके बारे में जानना चाहता है तो अबाउट अस पे क्लिक कर सकता है। तो हम लाइव रिव्यू देखते हैं कि क्या हमारे क्रिएट किए हुए हैं या नहीं हुए। हाँ, ये क्रिएट हो गया है ऑलरेडी, तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए मैं वापस से जाऊंगा कोड एडिटर में, और इसमें चेंज करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ये यूज कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा स्पेस रहेगा और इसमें एकदम सही से दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि अभी हम CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो HTML एक बोन्स का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप ऑलरेडी मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, हमारे लास्ट वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये सारा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।